उज्जैन में मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ की आज बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों कर्मचारी इसमें शामिल हुए। धार्मिक नगरी उज्जैन में मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर्स संघ की स्थापना हो चुकी है। लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी इस इकाई से जुड़ चुके हैं। यहाँ हर माह कार्यक्रम आयोजित कर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का सम्मान किया जाता है। उज्जैन रेंज में पूर्व आईजी रमन सिंह सिकरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। साथ ही सभी संघ के सदस्यों के घर में रहने वाले परिवारजनों के स्वास्थ्य का हाल भी जाना गया। यदि किसी संघ के सदस्य के घर कोई दुविधा आती है तो उनकी मदद की जाए। एकत्र हुए हैं और उसमें कुछ नए लोग जो रिटायर होकर के ज्वाइन किए हैं वो लोग भी शामिल हुए हैं। बाकी जो पुलिस पेंशनर्स मध्य प्रदेश की एसोसिएशन है उसके हरिहर शर्मा जी एकत्र हुए हैं, ताकि ये विचार किया गया है कि जितने अन्य विभाग के पेंशनर्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन पुलिस के पेंशनर से कैसे हो, इसके बारे में आज सम्मेलन रखा गया है। आगे कोई ऐसा सामूहिक सम्मेलन रखेंगे जिसमें उज्जैन के सभी पेंशनर्स इकट्ठे होंगे। पेंशनर संघ के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी महीने में अक्सर एक मीटिंग बुला के और ये देखती है कि पेंशनरों के यहाँ यदि कोई परेशानी है, कोई किसी प्रकार की बाधा है, तो उसके सहायता के लिए सूचना पे इकट्ठे होते हैं और हर महीने मीटिंग करके उनकी समस्याएं आपस में क्या चल रही हैं, सबसे प्राथमिकता उसकी रहती है। बाद में जो है अन्य प्राथमिकता रहती है, जो टीए डीए उनका वो सरकार अपने आप देख रही है, बढ़ा रही है, और उसके बढ़ाने के लिए भी हम अनुशासित होके ही लिखा पढ़ी करते हैं, क्योंकि हम पुलिस अधिकारी हरदम पुलिस में डिसिप्लिन में रहे और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी अनुशासित होके ही अपनी मांग करते हैं।